भैया ये किसका घर है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ का है। ये गाय क्या चीज खा रही है? ये इसको घास नहीं है आपका? ये बेरी का जो दरख्त है। ये कमरा किस चीज के लिए बनाया हुआ है? अच्छा, ये सर्दियों में ये जानवर अंदर बांधते हैं। ये कोई पौधा लगाया हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा भाई, ये जो माहौल लगता है, आप पानी कहाँ से लाते हैं? इधर तो मैंने नल कहीं नहीं देखा। मेरे ख्याल में मुख्तसर घराना है, दो चार पाइयां और बस ये छोटा सा आटे वाला डब्बा है। अच्छा, ये पानी का वसाइल तो आपका नजर नहीं आता, कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर से लेके आते हैं, हमारे आसपास कहीं नजदीक पानी नहीं है। अच्छा, फिर आपके लिए तो काफी तंगी होती होगी। हुकूमत तो कोई तवज्जो नहीं दे रही मेरे को। ये जो भेड़ बकरियां माल मवेशी हैं, ज्यादातर इन लोगों का गुजर औकात इसी माल मवेशी पर होता है। खास कोई इधर जरिया मुआश नहीं होता, आमदन का कोई खास जरिया नहीं है। एक बुजुर्ग सोए हुए हैं इधर, इसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बाबा, क्या हाल है? खैर है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये कमरा मेरे ख्याल में टच है, ये अंदर से जो ना इसके छोटा दरवाजा लगाया हुआ है। इसका एक गद्दा गाड़ी भी है मेरे ख्याल में। ये लकड़ियां दूर दूर से कहीं से लाता है, क्योंकि ये सब बनाया हुआ है। घर में भी चूल्हा बना हुआ है लकड़ी का, सर्दी में जलाने के लिए। अच्छा, ये असलम खान का बेटा है। हाँ।
और असलम भाई सिया तबीयत ठीक है? ये क्या गंदम है? दाना है, दाना है। ये आप चक्की से पिसवाते हैं या खुद अपने घर में? चक्की से, चक्की, चक्की से। अच्छा, ये मस्जिद है, तमाम गांव वाले इकट्ठे होकर यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और ये अकरम खान ने बैठक बनाई हुई है, इनका अंदर से मायना करते हैं क्या क्या चीज रखी हुई है। इधर चार पहिया, ये बिस्तर, यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए, नहीं तो एक दो आदमी वैसे भी इधर सो जाता है। हाँ चाचू, आपका क्या नाम है? हिदायतुल्ला। ये हाजी अकरम साहब आप तशरीफ ले आए नमाज से फारे होकर। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? खैर सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह।